प्रभु ये जैसे बोलते हैं भगवान कि मैं समस्त जीवों में हूँ, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, लेकिन फिर जो ऐसे देखा जाता है हमारे कण कण में भगवान बसे हैं, विराजमान है, तो वो कैसे समझा जाए? में भगवान है, क्योंकि भगवान की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। जैसा कि हमने सातवें अध्याय में देखा है कि पुरुष का सामर्थ्य मैं ही हूं। भारतीय सेना आप देखिए, तो भारतीय सेना क्या है? भारतीय सेना जो है भारत सरकार का ही एक अंग है। तो यदि वहां पे सिपाही बैठे हैं कहीं पे ऊपर हिमालय में लड़ रहे हैं, रेगिस्तानों में लड़ रहे हैं, ये सिपाही अपने आप नहीं लड़ रहे। उनका सामर्थ्य जो है वो तो भारत सरकार से ही आ रहा है। उन्हें किसी ने उन्हें जो है ट्रेनिंग दी है, बंदूक दी है, उनकी वर्दी दी है, ये तो किसी और ने दिया है। और वो कौन है? वो भारत सरकार की है। उनको उनको जो है आदेश आता है कि आपका जो है अब ट्रांसफर हो गया है, अब आपकी पोस्टिंग जो है राजस्थान हो जाएगी। तो वह व्यक्ति मध्य प्रदेश से राजस्थान चला जाएगा और थार रेगिस्तान में बैठ जाएगा जाके बंदूक लेके। यदि कोई दुश्मन आया तो गोली मार देगा, नहीं आया तो वहां पे वो करेगा, सेवा करेगा। तो ये जो उसका सामर्थ्य है ये उसे भारत सरकार दे रही है। अब यही व्यक्ति मान लीजिए रिटायर हो जाता है, घर आता है और घर आके किसी गांव वाले को मार देता है कि भाई मैं तो फौजी हूं, तो उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि तब उसका सामर्थ्य नहीं है मारने का। उसका सामर्थ्य तो भारत सरकार से ही आ रहा है, परंतु अंश होते हुए भी वह भारत सरकार स्वयं नहीं है। सरकार से भगवान की शक्ति सब जगह है, परंतु भगवान स्वयं नहीं है। भगवान परमात्मा रूप में है, भगवान का प्रतिबिंब है, परंतु भगवान का व्यक्तित्व जो है वो एक ही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। अपनी शक्ति से ही वो सब कुछ चला ले रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, टाटा इंजीनियरिंग, वहां कोई रतन टाटा तो स्वयं नहीं बैठे हैं ना जाके, परंतु चल तो वही रहा है। यदि वो बोलेंगे नहीं भाई आज हम कार नहीं, अब हम बस बनाएंगे, तो वो बन जाती है। यदि बोले आज छुट्टी है तो छुट्टी हो जाती है। परंतु ऐसा नहीं है कि स्वयं टाटा की बस है, मतलब रतन टाटा खुद ही बना रहे हैं अपने हाथ से। पर सामर्थ्य उनका है, क्योंकि पैसा उनका है, शक्ति उनकी है। समझ गया प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।